नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुहावरे की जो अक्सर हमारी दिनचर्या में सुनने को मिलता है। खुला खेल फर्रुखाबादी, ये मुहावरा क्या दर्शाता है, आइए जानते हैं। खुला खेल फर्रुखाबादी एक कहावत है जिसका मतलब है बेबाकी से कोई काम करना बिना किसी झिझक या डर के। यह मुहावरा फर्रुखाबाद नामक एक शहर से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि फर्रुखाबाद के लोग हमेशा से ही साफ सुथरे और निष्पक्ष व्यवहार के लिए जाने जाते रहे हैं। वे अपने काम को ईमानदारी से करते थे और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या कुटिलता से दूर रहते थे। इसी कारण से उनके स्वभाव को एक कहावत के रूप में प्रचलित किया गया। आइए जानते हैं इस विषय पर फर्रुखाबाद के साहित्यकार और इतिहासकार क्या कहते हैं। हम लोग तो फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं, तो जब ये शब्द आता है तो सुन के खुश हो लेते हैं। फिल्मों में भी कई बार सुना और भी कई अवसरों पर इसका जिक्र होता है। खुला खेल फर्रुखाबादी या खरा खेल फर्रुखाबादी, फर्रुख शब्द का अर्थ फारसी में खुश, प्रसन्न या उत्साही, इस तरीके का रहता है। और उसमें मुझे लगता है कि हम फर्रुखाबाद के लोग जो काम करते हैं वो भीतरघात वाला काम नहीं है, खुला काम करते हैं, स्पष्ट काम करते हैं और खुश, हर हाल में खुश रहते हैं। हम गंगा के किनारे रहने वाले लोग हैं, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि जो फर्रुखाबाद का तबला घराना है और जो 11वीं पीढ़ी में आकाशा नाम के एक राजपूत से शुरू हुआ, मीर आकाशा कहलाए, उसके बाद में बढ़ते गए, उनके जो वंशज हैं वो 13वीं 14वीं शताब्दी में भी अपने नाम के आगे फर्रुखाबादी शब्द लगाते थे। तो मुझे लगता है कि फर्रुखाबाद शब्द बहुत पहले से खुद इस्तेमाल किया जा रहा है। और फर्रुख का मतलब है स्पष्ट, उल्लासपूर्ण, खुश, यानी खरा खेल फर्रुखाबादी, क्योंकि फर्रुखाबाद वाले लोग जो करते हैं, सामने करते हैं, स्पष्ट करते हैं और बिना झिझक के करते हैं। ऐसा है कि हमारा ये फर्रुखाबाद जनपद नवाब मोहम्मद खां बंगस द्वारा जो 27 दिसंबर 1714 को स्थापित किया गया था, और हम लोग उसका प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस मनाते हैं। नवाब बंगसों के बारे में ये था कि बहुत वो खरे मिजाज के थे और बैठे भी कायमगंज के लोग हैं, वो खरे मिजाज के कहलाते हैं। तो ये मुख्य रूप से हमारे फर्रुखाबाद में कायमगंज से शब्द प्रचलित हुआ। क्योंकि मेरी जन्मभूमि कायमगंज है, इसलिए मैंने देखा भी है कि कायमगंज के लोग बहुत खरे बोलने वाले होते हैं, और मैं स्वयं भी इस बात को अनुभव करता हूँ। कहीं कोई बात होती है तो लगी लिपटी बात नहीं की जाती है, भले सामने वाले को बुरा भी लग जाए, लेकिन हम लोग उसे जो मतलब स्पष्टवादी, तो इसका हिंदी का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसे स्पष्टवादी, ऐसा स्पष्टवादी जैसे जिसके कहने से अगर किसी को बुरा भी लग रहा हो तब भी कोई उसे नहीं फील होता कि हाँ बुरा लगने दीजिए। ये एक फिल्म में अशोक कुमार और पृथ्वीराज कपूर की वार्ता में भी आया था। ये बहुत पहले हमने करीब 65 साल पुरानी फिल्म देखी होगी, तो उसमें ये था। और इस पर हमारी चर्चा राम प्रकाश चिदाकार फर्रुखाबाद के कवि साहित्यकार थे, लेखक, तो उनसे भी चर्चा होती रहती थी। तो ये स्पष्टवादिता के लिए माना जाता है कि फर्रुखाबाद के लोग हैं निर्भीक होते हैं, कभी कोई डरते नहीं हैं और अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं।